ऑनर दिया जा रहा है। इससे पहले तमाम जो बड़े वरिष्ठ जानकारी हासिल करते हुए The commissioning ceremony, viewers, is an age-old naval tradition that celebrates the formal induction of a warship into naval service, wherein the commanding officer receives the commissioning warrant from the chief of the naval staff, directing him to commission the ship. Introducing the Prime Minister. Pradhan Mantri tamam jo HODs hain unse mulaqat karte hue, kyunki agar INS Vikrant ki baat ki jaye to apne aap mein samandar mein chalta firta apne aap mein ek shahar ke barabar hai, chalta firta ek hawai adde ke barabar, aur aise mein tamam विभाग होते हैं जो मिलकर इस पूरे युद्धपोत को एक कंप्लीट युद्धपोत बनाते हैं, और ऐसे में तमाम विभागों के जो प्रमुख हैं जिन्होंने दिन रात एक मेहनत करके इस युद्धपोत को भारत की नौसेना को समर्पित करने के दिन को साकार किया है, उन तमाम लोगों से मिलते हुए जानकारी हासिल करते हुए और तमाम HODs हैं डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं वो प्रधानमंत्री को सल्यूट देते हुए, और ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ आना इन सभी के लिए एक गौरव की बात है और नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा दिन। कैप्टन्स ऑफ टॉप एंड हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट वेरियस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स वेलकमिंग एंड सैल्यूटिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्यूअर्स, लाइव विजुअल्स ऑफ दिस ग्रैंड सेरेमनी फ्रॉम कोचिन इज समथिंग दैट सिंबल विल बी सिंबलाइज्ड बाय द होस्टिंग ऑफ द कमिशनिंग पेनेंट फ्लोन फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द शिप, द विजुअल दैट विल रिमेन एच्ड इन इंडियाज हिस्ट्री। एंड ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक पल की गवाह, जब कोचिन शिपयार्ड पर देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत तैयार हो चुका है देश की नौसेना की सेवा करने के लिए, देश के रक्षा करने के लिए तत्पर है, और ऐसे में आप प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए विशेष इंतजाम, और 100 नौवीर यहाँ मौजूद हैं और उनकी कमांड ले रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रितेश शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर शशांक यादव। Officer of the Guard giving general salute to Honorable Prime Minister. Hundred men Guard of Honor marching in with the Indian Naval Band and leads playing the tunes of Vikrant. तस्वीरें गवाह हैं किस प्रकार से आज के इस ऐतिहासिक कमिशनिंग सेरेमनी के समय प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने जाते हुए, अगर हम परंपरा के तौर पे बात करें सकल तो अपने आप में 100 सेलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और ये 100 सेलर्स का दस्ता सम्मान गार्ड के रूप में जहाँ पे प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, और प्रधानमंत्री इसका अब निरीक्षण करेंगे। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के तौर पर अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो उनको 150 सेना के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को 100 सैनिकों का दस्ता है वो गार्ड ऑफ ऑनर देता है, और इस समय प्रधानमंत्री इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए, और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है, और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा और बहुत ही एक भावपूर्ण क्षण होता है कि जब देश का कोई इतना प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बीच आता है और आपके बीच में पहुंच के इस बड़े दिन को, एक और ऐतिहासिक दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मौजूद है। निश्चित तौर से देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत कोचिन शिपयार्ड में बनकर तैयार हुआ है, और ये आज कमिशनिंग सेरेमनी अगर इसकी बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर हुआ है उसकी एक जीती जागती मिसाल है, और अपने आप में भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का साफ तौर से प्रदर्शन करता है। और अगर बात की जाए तो भारत अब 6 ऐसे एलीट देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जो 40,000 टन या उससे बड़े भारी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है, और प्रधानमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए।